सब्सक्राइब करें हमारे चैनल 90 क्रिएटर्स को और पास के इस बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती जाए। तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने YouTube चैनल के लिए एक अच्छा सा इंट्रो कैसे बना सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको पूरा ये स्टेप दिखा दूंगा कैसे आप अपने YouTube वीडियो के लिए एक अच्छा सा इंट्रो बना सकते हो। और मेरा वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको आपने देखा होगा कि एक इंट्रो ऐसे इस तरह से आप इंट्रो बना सकते हो, सिर्फ आपको मेरा स्टेप फॉलो करना है। और गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती जाए। तो गाइज़, इसे इंट्रो बनाने के लिए पहले आपको तीन चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। वो है पहला जो है काइनमास्टर एप्लीकेशन, वो आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से। अगर आप उसके बारे में, तो मुझे लगता है आपको पता ही होगा काइनमास्टर के बारे में। ये बहुत ही एंड्रॉयड वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। आज हम इससे अपना इंट्रो बनाएंगे। और दूसरा जो चीज़ है वो है अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग। यूट्यूब किसी और के अकाउंट से आप अपना अकाउंट सर्च करके उसे, अगर पहले से सब्सक्राइब हो तो उसे अनसब्सक्राइब कर दे और करके फिर रिकॉर्डिंग पे स्टार्ट करके आप उसे फिर से सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन पर फिर से क्लिक करें और इसे रिकॉर्ड करके आप गैलरी पे सेव कर दें। और जो गाइस तीसरा जो चीज़ है वो है अपना एक मोबाइल का PNG और एक हैंड क्लिक का PNG, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और चौथा जो चीज़ है गाइस वो है अपना वॉइस, एक वॉइस रिकॉर्डिंग जो हमने हमने इंट्रो पर लगाते हैं ना, वो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और बेल आइकन ऐसा बोलते हैं ना, तो आपको ऐसा वॉइस की ज़रूरत है, वो आपने काइनमास्टर पे पहले से लगा सकते हो। मैं आपको दिखा दूँगा कैसे आपको ऐड करना है। तो गाइस चलिए हमारे काइनमास्टर की तरफ। तो पहले आप अपना काइनमास्टर ओपन कीजिए। तो गाइस काइनमास्टर ओपन करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद एम्प्टी प्रोजेक्ट सिलेक्ट कीजिए और बाद में आप मीडिया ब्राउज़र पर क्लिक कीजिए। वहाँ से आप कोई भी वो जो फ़ोटो मैंने बोला था मोबाइल के PNG और वो फ़ोटो आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप जितना सेकंड का आप इंट्रो देना चाहते हैं अपना, तो उतना सेकंड का आप दे सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा सिर्फ 8 सेकंड का इंट्रो दो, इससे ज़्यादा मत दो वरना व्यूअर्स को बोर लग जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऐसे प्ले करने से ये जूम इन होता है और जूम आउट होता है, तो मैं इसे बंद करने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ पर इसे ट्रैक पर सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद इस क्रॉप पर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर इक्वल पर क्लिक करने से ये एकदम सेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये अभी जूम इन एंड जूम आउट नहीं होगा। तो अब हम इस पर हमारा रिकॉर्डिंग, वो जो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग बोला था, उससे आप यहाँ पर ड्रैग करेंगे। मैं यहाँ पर इसे ड्रैग कर देता हूँ और इसे यहाँ पर वाइड स्क्रीन पर अच्छी तरह से सेट कर ले। तो मैंने यहाँ पर इसे सेट कर लिया। अब एक बार हम प्ले करके देख लेते हैं। पहले सब्सक्राइब पर क्लिक किया, बाद में बेल आइकन को क्लिक किया। तो अब हम इसे यहाँ पर क्रॉप कर देते तो मैं यहाँ पर इसे ट्रिम कर देता हूँ। अब मैं इस पर वो हैंड क्लिक वाला PNG डालूंगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर लेयर पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपको इमेज पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से वो हैंड क्लिक वाला PNG आप ड्रैग कर ले। तो यहाँ पर सब्सक्राइब के बटन के हिसाब से आप उसके ऊपर अच्छे से बिठा दें। तो मैं यहाँ पर उसके ऊपर बिठा देता हूँ और टाइमिंग, जब मैंने सब्सक्राइब पर क्लिक किया उसके टाइमिंग के हिसाब से आप यहाँ पर उसे बिठा दें। तो मैंने यहाँ देख सकते हैं मैंने उसे बिठा दिया। अब मैं इसे यहाँ पर मिडल पर ट्रिम कर देता हूँ, स्प्लिट हेड प्ले अहेड। ट्रिम करने के बाद मैं इसे आधा हिस्सा में उस बेल आइकन के ऊपर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छी तरह से बिठा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे बिठा दिया। अब आप पहले इसे क्लिक करेगा सब्सक्राइब, बाद में बेल आइकन को क्लिक करेगा। तो ये हो चुका है। अब हम इस पर थोड़ा इन एंड आउट इफेक्ट देंगे, जैसे कि यहाँ पर इन एनिमेशन स्लाइड अप, स्लाइड करके नीचे से आएगा। और अब हम आउट एनिमेशन देंगे, आउट एनिमेशन जैसे कि स्लाइड डाउन, ये स्लाइड करके नीचे से जाएगा। यहाँ पर आप उसका मोशन भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि स्पीड, कितना स्पीड से ये आना चाहिए या फिर आपको देना चाहते हो कितना स्पीड पर,
तो मैं सबसे मैं 50.5 पर ही देता हूँ, ये सबसे बेस्ट है। तो आप देख सकते हो पहले ये सामने से आएगा, बाद में चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर इतने अच्छे से नहीं करूँगा क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो फिर से मैं इस बेल आइकन के ऊपर स्लाइड आप दे देता हूँ और आउट एनिमेशन में स्लाइड डाउन दे देता हूँ। इससे थोड़ा आई मीन इससे इंट्रो पर थोड़ा इफेक्ट्स आएगा, तो इंट्रो देखने में मज़ा आएगा। तो आप देख सकते हैं एक बार प्ले करके सब्सक्राइब पर क्लिक किया, बाद में बेल आइकन को क्लिक किया, तो ये इंट्रो हमारा हो चुका है। तो अब आप अगर चाहते हो हमारे अपना वॉइस ऐड करने की, या फिर अपना अगर आप वॉइस अपना ऐड नहीं करना चाहते, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एक वॉइस का, जैसे कि सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस दिस बेल आइकन, ऐसा एक वॉइस का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आप वॉइस ऐड करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर वॉइस पर क्लिक करना पड़ेगा, बाद में यहाँ पर स्टार्ट करके वो वॉइस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ। स्टार्ट, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दिस बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन अबाउट न्यू वीडियोज। तो गाइज यहाँ पर मेरा वॉइस ऐड नहीं होगा क्योंकि मैंने अपने मोबाइल के साथ अपना हेडसेट लगा रखा है, इसलिए पहले से मेरा वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ऐड नहीं होगा। तो आप यहाँ ऐसे करके ऐड कर सकते हो, बाद में स्टॉप पर क्लिक करने से यह बंद हो जाएगा। तो मैं इसे बंद कर देता हूँ, तो ये बंद हो जाएगा। तो अब आप इसे सेव कर लेते हैं, अब हम इसे सेव कर लेते हैं। आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद सेव वीडियो टू गैलरी पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप जिस क्वालिटी पर आप सेव करना चाहते हैं, फुल HD या फिर हाई डेफिनेशन मीडियम क्वालिटी, आप जिस क्वालिटी पर सेव करना चाहते हैं यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सब समय फुल HD पर ही करता हूँ क्योंकि फुल HD से अच्छा क्वालिटी आता है वीडियो में। तो यहाँ पर फुल HD नहीं होगा तो मैं हाई डेफिनेशन पे ही कर लेता हूँ। तो चलिए अब हम ओके पर क्लिक करते हैं। अब हम इसमें जूम इन एंड जूम आउट का इफेक्ट्स देंगे, जैसे कि क्लिक करते समय वीडियो का जूम इन आएगा तो अब हम फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एम्प्टी प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब हम फिर से वहाँ पर मीडिया ब्राउज़र से एक मीडिया ब्राउज़र सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे अभी हमने जिससे सेव किया है उसे हम फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। तो अब हम इसे जूम इन एंड आउट इफेक्ट्स देंगे, तो जब इसने क्लिक किया उसके हिसाब से आप यहाँ पर बंद करके इसे ट्रैक पर सिलेक्ट कीजिए और बाद में इसे ट्रिम कर ले स्प्लिट एट प्ले हेड, और बाद में यहाँ पर आप फिर से इसे क्लिक कीजिए और यहाँ क्रॉप पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप स्टार्ट एंड को जैसा है वैसा ही रहने दे और एंड पोजीशन को आप थोड़ा इसके हिसाब से जूम कर ले। हाँ हो गया, तो आप देख सकते हैं थोड़ा जूम होगा, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा स्प्लिट मैं थोड़ा इसे लाऊं क्योंकि मेरा यहाँ पर ट्रैक थोड़ा छोटा है, इसलिए ये बहुत ही जल्द हो रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि थोड़ा लंबा ट्रैक दो तो इससे बहुत ही आसान से आप एडिट कर सकते हो, सिंपल होगा बहुत स्टाइलिश होगा, तो आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ पर मैं फिर से बेल आइकन पर ये क्लिक करके देता हूँ, स्टार्ट एंड जैसा वैसा ही रहने दे और एंड पोजिशन में आप इसे ऐसे थोड़ा जूम करके रख दें। और अब आप देखेंगे कि कैसे ये इफेक्ट्स आएगा एंड क्लिक दिस बेल आइकन। तो आप देख सकते हैं ये हो चुका है। तो गाइस ऐसे करके काइनमास्टर पे आप बहुत ही आसानी से बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही स्टाइलिश आप इंट्रो बना सकते हो। तो गाइस आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो,
और गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे हेल्पफुल वीडियो आके लेके आऊँगा, एडिटिंग रिलेटेड या फिर टैग सब तरह की वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। पर गाइस कमेंट करके मुझे अपना टॉपिक बताओ कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, मैं ट्राई करूँगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।